दोस्तों दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक ताकतवर और एक ज्यादा ताकतवर। अब अगर दोनों कभी आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होगी, जिसके पास ताकत है उसकी या फिर जिसके पास ज्यादा ताकत है उसकी? जीत उसकी होगी जिसके पास दिमाग है। इसी प्रकार फ्री फायर के अंदर सारे प्रो प्लेयर्स हैं, आप भी हो, पर जब आप किसी गेम के अंदर एंटर करते हो वहां पे और भी बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। अब इसमें से जीतता कौन है? जिसके पास अच्छी स्क्वाड होती है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो दूर करते हैं यार कंफ्यूजन को, वीडियो को एंड तक देखो। आपका भाई दोबारा से आ चुका है टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। मैं यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा था पर सामने मुझे एक एनिमी दिखा। अब एनिमी को मैंने यहाँ पे कुछ डैमेज देने का ट्राई किया, मेरे पास साइलेंसर लगा हुआ था, उसे मेरे लोकेशन का पता नहीं चला। अरे फिर भी मैं यहाँ पे घूम के जाऊंगा क्योंकि अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है, बंदे को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं आ कहां से रहा। धीरे धीरे सीधे सीधे पेड़ का कवर लेते लेते हम जाएंगे क्योंकि वो बंदा कहीं पे भी हो सकता है। इतनी सारी खिड़कियां दरवाजे हैं इस घर के अंदर और यहाँ पे ये बंदा, इसको मैंने बहुत डैमेज दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते, सीधे चले जाते उसके ऊपर रस कटे, पर वहीं पे वो सीढ़ी पे बंदा खड़ा रहता और जैसे हम जाते वो हमें हेडशॉट मार देता। अब मैं यहाँ पे साइड से जाऊंगा, इस दरवाजे से मैं बाहर निकला और मैंने यहाँ पे लैंडमाइन का यूज किया। आपको भी हर एक चीज का प्रॉपर यूज करना है। लैंडमाइन लगा, लैंडमाइन की आवाज सुन के बंदे की फटके 64 हो गए। मैं साइड से गया, बंदा कूदा और उसके बाद बंदा खत्म। अब आपने इससे क्या सीखा, अगर कोई भी बंदा, आपने उस बंदे को कितना ही डैमेज क्यों ना दिया हो, आप कभी भी बंदे पे सीधा सीधा रस नहीं करोगे। नंबर 2, आपके पास जितनी भी चीजें हैं लैंडमाइन से लेके ग्लू वॉल तक हर एक चीज का प्रॉपर यूज करोगे। अब लैंडमाइन तो हमने लगा दिया बट उसका यूज आगे होने वाला। एंड नंबर 3, यहाँ पे हम सामने वाले की गलतियों से भी सीख सकते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी एनिमी अपने घर के नीचे है तो हमें कभी भी घर से नीचे कूदना नहीं है, कहीं भी किसी भी खिड़की से हाइट से जंप नहीं करना है क्योंकि आप कभी भी जंप करते हो आप कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए आप वहाँ पे स्टक हो जाते हो, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम एनिमी आपको इजीली हेडशॉट मार देगा जैसे मैंने मारा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया और लूट करने के लिए मैंने प्रॉपर एक ग्लू वॉल लगाया एंड इसको आराम से बैठ के लूटा आधे एक घंटे तक। अब उतने में ही और भी एनिमीज हमारे पास आ गए, हो सकता है ये उनके टीममेट्स हो। एनीवेज हमें क्या उससे, हमें तो बस स्किल चाहिए। अब देखो सामने बंदा है, मैं उसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ, और भी बंदे मेरे को डैमेज दिए तो मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा दिया। ये नहीं देखा कितने, बस अपने आप को किसी भी तरफ बचना है। ग्लू वॉल का आप क्या करोगे अगर आप ही जिंदा नहीं रहोगे तो। अब अपने कैरेक्टर का इस्तेमाल करके मैं बाहर गया और चुपके से उसको एक हेडशॉट मार के इसको भी खत्म कर दिया। तो कैरेक्टर को भी आपको यूज करना है, जितनी भी चीजें आपको गेम के अंदर मिल रही है दिखाई दे रही है सबका यूज करो क्योंकि अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो कोई और उसका यूज करके आपको खत्म कर देगा। अब मुझे किसी भी तरह इस गेम को बूया करना है। अब यहाँ पे मेरे साथ एक मिरेकल हुआ, जहाँ पे मैंने लैंडमाइन लगाया था, मुझे नहीं पता क्यों कैसे और कौन उस खिड़की से कूदा और मेरे लैंडमाइन से डैमेज खाके नॉक हो गया। तो इसी तरह हर एक चीज का यूज करो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो काम में आ जाएगा। अब देखो वो बंदा बेचारा घिसट रहा है, भाई क्यों कूदा तू, बता खिड़की से क्यों कूदा तू, भारी मिस्टेक हो गया सर। एंड इसको खत्म करने के बाद फाइनली हमने कर लिया मैच को बूया। अगला मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ही ध्यान से। नीचे वहाँ पे बंदे हैं, नीचे वहाँ पे बंदे, देखो प्रेक्षा तुम झोपड़ी में बंदे भैया। अरे बाबा वो झोपड़े में दो बंदे हैं अभी। रौनक प्रथम तो गेम खेलना सीख गया। What? लग रहा है क्यों मेरे को नहीं आता था क्या भाई, कोई 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 नहीं बोलेगा कि प्रथम को नहीं आता था, आता था प्रथम, तुमको पहले आता था। नो डीमोटिव। चुप अप चुप अप। अरे भाई 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 क्या, ओ शिट, देखो नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बहुत बढ़िया, वाह क्या एडब्ल्यूएम चला रहा है, तुमने ही सिखाया होगा ना रौनक। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। अरे यार हट, दोनों तरफ से पड़ गई गलती गलती। रौनक जीवित है लेकिन उसका नेट चला गया, कैसे खेलेंगे हम, कैसे जीतेंगे हम, बी हेड पड़ेगा एकदम। ओ शिट लैंडमाइन आ गया, वो बंदा एक और आगे बंदा आ गया हमारे पीछे। आराम से यू कैन डू इट प्रथम, यहाँ से साइड से आएगा ना वो। वो लेटा हुआ है। ओ शिट कितने बंदे हैं, ऊपर भी है, ऊपर भी प्रथम, ऊपर भी है।
आराम से। वो डैम डैम कम ऑन यू कैन डू इट किलिंग स्प्रे मॉन्स्टर किल डैम लुक एट दैट प्रथम ऑन फायर गाइस डैम 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 बहुत प्यारा गेम प्ले था। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? आपका गेम प्ले चाहे गॉड लेवल का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले चार प्लेयर्स आपको मिलके घेर लेंगे, आप उनसे आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जीत नहीं पाओगे, मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत ही मतलब मेरे तरफ से मैंने बेस्ट दिया, पर क्या हुआ, क्या हुई, मेरा टीममेट यहाँ पे ऑफलाइन चला गया। बाई चांस अगर ये जिंदा होता तो ये आके पीछे से डैमेज देता या फिर मेरे साथ फाइट करता तो हो सकता था ये वाला फाइट हम जीत जाते, या फिर अगर ये फाइट नहीं करता तो ये पीछे जाके हमारे टीममेट्स को रिवाइव दे देता और हम चार के चार जिंदा होते। अगर बाय चांस मैं यहाँ पे मर भी जाता तो इनमें से कोई ना कोई मुझे बचा लेता। तो एक अच्छा स्क्वाड होना आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे प्लेयर्स नहीं कि किसी को भी ले आए वो ऑफलाइन चला गया, किसी का नेट नहीं चल रहा 99+, कोई माइक ही ऑन नहीं कर रहा, वो अपना लगा हुआ है अलग खेल रहा है, वो 3 किलोमीटर दूर उतर रहा है हमसे, तो ऐसे नहीं होता गेम। अगर आप स्क्वाड में गेम खेलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चार अच्छे प्लेयर्स चाहिए, एक आप हो गए और तीन अच्छे प्लेयर्स चाहिए जो आपकी बात माने या फिर साथ में रह के खेले, अच्छे से बात करके खेले, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए। इस पे मैंने वीडियो बनाया है कि एक अच्छा स्क्वाड कैसे फाइंड करे, क्या क्या होना चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो हम लाए टिप्स एंड ट्रिक्स पे ही, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था, दैट्स व्हाई मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स को होल्ड किया था। इस वीडियो में आपको मजा आया नहीं आया, कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, कमेंट में बताओ यार, कमेंट बॉक्स लिखने के लिए ही होता है, एग्जाम में तो लिखोगे नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे तुम आदमी हो कि पैजामा, इसे इस हालत में छोड़ कैसे जा सकते हैं? तो मैं क्या करूं? सब्सक्राइब दबा दिया।